रामपुर रेलवे स्टेशन पर किसानों का गन्ने के बकाया मूल्य की मांग रखते हुए प्रदर्शन। रामपुर के रेलवे स्टेशन पर आज किसानों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। किसानों का ये प्रदर्शन गन्ने के बकाया मूल्य को लेकर था, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द किसानों को गन्ने मूल्य का बकाया दिलाने की सरकार और प्रशासन से मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों की मुख्य मांग गन्ने के मूल्य के बकाया को करने की थी। किसानों का कहना था, अगर सरकार गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं करेगी तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन भी रोकेंगे। किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश तिवारी ने बताया, समस्या की थी कि किसानों के गन्ने का भुगतान विगत वर्ष का नहीं हो पाया था। आज जिला गन्ना अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष का पूरा 100% गन्ने भुगतान हो गया है और इस साल का भी करंट का भी 74 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए इनके जो रेलों का आंदोलन का प्रस्ताव था वो स्थगित कर दिया गया है। अन्य इसके साथ साथ मांगे हैं, उस मांग को भी विचार किया जा रहा है और वो मांगे राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसी माध्यम भेजी जा रही है। जैसे एक तरफ करवा दी उड़द है, दलहनी फसलें हैं, उनका कहना है कि वो यहाँ पर दुकानें खुलनी चाहिए थी जगह से, दुकान नहीं खोली गई है, इस कारण से कोर्ट में और अपने दाम पर बेचना पड़ रहा है। वाजी जो उसका मूल्य है, निर्धारित मूल्य है, उससे कम रेट उनको बेचना पड़ रहा है। अगली मांग इनकी है कि 20 रुपये से भारत सरकार सरकार से गन्ने मूल्य बढ़ाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से की मांगे हैं इस पर किया जाएगा।